पेड़ थे ना अलग रही हो, ये अगर पेड़ लग गए ना तुम्हारे मेरे पैर में लगो है तो ऐसे ले रही जो सांप खा रहा हो। अच्छा दोस्तों ये ना बिस वाला पेड़ है जो आती है छोटी वाली ट्रेन, सारे के सारे पेड़ है ना वो चीड़ के पेड़ है उस बादलों के नीचे, ये देखिए सफेद सफेद सा डॉट जो आ रहा है ना ये बर्फ है, ये देखिए आ गया है। वेलकम वेलकम शिमला, वेलकम शिमला। बस है बस है बस है बस है। स्वागत है दोस्तों शिमला के रास्ते में जाते जाते। देखिए हमें पीछे ये स्टॉल मिली है भैया की, संतरा की यानी कि किन्नू की दुकान है और जूस निकाल करके देते हैं। ये जो नींबू पी रही है एकदम प्योर जूस है, यहाँ पर हमने इनसे एक गिलास बनवाया 50 रुपये का दिया है भैया ने और चलिए यहाँ से अब चलते हैं नींबू पीने। अच्छा जूस को अच्छा है, प्योर जूस है। देखिए कितना सुंदर ये सजा करके रखते हैं भैया। और आप भैया यहीं के रहने वाले हो, कौन सा गाँव है? पहला ग्राहक मैं ही हूँगा आज आपका। सही है, ऐसा गिलास भर करके दिया है भैया ने, कैसा है? अच्छा एकदम प्योर है। एकदम प्योर यानी कि इसमें कोई मिलावट नहीं है। तो अब नीतू आगे आ गई है और हमने पी लिया है यहाँ पर जूस भी। अब यहाँ से दिखा रहा है नेट 160 किलोमीटर, 160 किलोमीटर दिखा रहा है शिमला को। तो चलिए दोस्तों अब ये हाईवे आ गया है, थोड़ा अच्छा है। अभी रास्ते में थोड़ी रोड ख़राब आई थी परंतु अब देखते हैं कहाँ तक कैसी रास्ता है। चलिए ये दोस्तों शिमला 113 किलोमीटर यहाँ से दिखा रहा है और फीस प्लाजा अभी 1 किलोमीटर बता रहा है। अब मुझे रिचार्ज करना पड़ेगा अपना पहले, उसके बाद में फीस प्लाजा को क्रॉस करेंगे। तेज चला तो देखिए दोस्तों एक हवाई जहाज जा रहा है हमारे साथ साथ ही चल रहा है। देखिए हवाई जहाज है। देखिए दोस्तों अब ये देखिए चारों तरफ आपको नज़ारा जो दिखाई देगा ना, सामने पहाड़ों का नज़ारा दिखाई दे रहा है। यहाँ से थोड़ी दूर बाद में और चढ़ाई चालू हो जाएगी पहाड़ों की और फिलहाल तो अभी डबल रोड है, सिंगल रोड आएगी परंतु सिंगल भी डबल होगी। चढ़ाई यही पहाड़ पे चढ़ेंगे अब यहाँ से। तो दोस्तों यहाँ से पहाड़ की चढ़ाई चालू हो जाएगी। अब ये पहाड़ ये तो पक्का पहाड़ है, सामने नजारा एक बीच में ही अकेला पहाड़ है और छाँव में रुके हुए। हाँ छाया है उधर दोस्तों, गांव है ये, मतलब पहाड़ के ऊपर ही बसा है। कुछ देखो दिखाई नहीं दे रहा है, इतने छोटे छोटे एक ही मकान है। देखो पहाड़ के ऊपर ही दुकान होगी या मकान है किसी का। सामने देखिए गेट है, कितना सुंदर गेट बना हुआ है। हिमाचल प्रदेश में आपका स्वागत है। हाँ हिमाचल प्रदेश में आपका स्वागत है, स्वागत अब हुआ है हिमाचल प्रदेश में स्वागत। अब हिमाचल प्रदेश में आ गए, हरियाणा क्रॉस कर लिया। कितनी दूर से दिखाई दे रहा था, अब आए इसके पास में। अब आए हम कितनी दूर से, देखिए पहाड़ के नीचे गांव बसा हुआ है, कितना अच्छा लग रहा है। पता नहीं ये क्या बेच रहे हैं। देखिए ये इधर ऐसे पक्का बना दिए, बारिश में पहाड़ न खिसले नीचे। मूड है देखो, मकान बने हुए पहाड़ के ऊपर, देखो पिलर खड़े कर दिए, दिख रहे होगा ना दो पिलर से, उस पर ही मकान है। देखो जब ही तो ये बारिश में आ जाते हैं नीचे, देखो कितनी ऊंचाई हो रही। देखिए दोस्तों कितनी घुमावदार रोड चल रही है अब यहाँ पर, धीरे धीरे लेना मुझे चक्कर आएंगे उल्टी वगैरह। ये देखो कितनी अच्छी सीनरी बना रखी है, सीनरी बना रखी है। उधर से जाना है तो ऊपर जो ट्रक खड़े हैं ऊपर जाएंगे, घूम घूम के जाएंगे ना। मुझे तो चक्कर आ रहा है, तो अभी से आ रहा है, रियल में आ रहा है, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। धीरे धीरे लेना, सर में हो रहा है दोस्तों। रात के 11 बजे लेके चले थे ये और अब दोपहर के 12 बज रहा है। जैसे उन्होंने मुझे कुछ नहीं खिलाया, एक कप चाय पिलाई थी बस, भूख लग रही है। मैंने सोचा कुछ खिला दूँ, कुछ नहीं खिलाया। बताओ कैसे आऊँ मैं उनके साथ शिमला लेके आ रही हूँ मुझे घुमाने के लिए, और खिला कुछ नहीं रहा। मैं मैगी तो मैं खाऊँगी नहीं, कुछ और मिले तो खिला देना, मैं तो अपना बना दूँगी और खा लूँगी। मेरा लड़कियाँ भी काम कर रही हैं,
ये इसलिए बना रहा है, ये वो बारिश आती है ना जब पहाड़ खिसल खिसल के आते हैं, तो ये नीचे से पक्के बना रहा है जो पहाड़ खिसले नहीं। ये ऐसे पहाड़ नहीं है जो सिरड़ी जाते हैं, जो हम पक्के पहाड़ होते हैं जो वैसे मिट्टी बिलवा और कुछ है, तो ये बारिश से खिसलते हैं नीचे को। देखिए कितना अच्छा सीन है। देखिए दोस्तों मकान है और ये खेती भी हो रही है इनकी, ये छोटी छोटी ऐसी क्यारी सी बना के खेती करते हैं, वो भी आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, हमको दिखाई दे रहा है। और एक एक मकान बना हुआ है ऐसे अलग अलग, जाएंगे नज़दीक से देखेंगे, अभी तो हम रोड पर ही चल रहे हैं। देखिए दोस्तों अब सिंगल रोड आ चुकी है ये, और कितनी ख़राब आई है अब रोड। ये देखिए आगे एक HR की गाड़ी जा रही है, आगे से HP की गाड़ी जा रही है, काफ़ी ख़राब रास्ता है फिलहाल। और पहाड़ी पहाड़ों का नज़ारा है चारों तरफ, इधर से धूप आ रही है इसलिए मैं इधर से ही दिखा रहा हूँ आपको। दोस्तों अब हम पहुँच चुके हैं शिमला के बिल्कुल नज़दीक है, और हमारे पीछे जो आप देख रहे होंगे उनके हाथ में ये जो आप देख रहे हैं ना, ये चीड़ का पेड़ है शायद मेरे हिसाब से, हाँ इसी का है, ये यहाँ से गिरा है, चीड़ का पेड़ है। और दोस्तों गुलदस्ता जैसा हम लेकर के चलेंगे इसको अपने साथ में। और दोस्तों चारों तरफ ना इतनी हरियाली है, और हरियाली के अलावा ये देखिए मेरे पीछे आप, ये इतना पूरा का पूरा मतलब इधर से ब्लर आ रहा है थोड़ा सा, मैं ऐसे करके दिखाता हूँ आपको, ये पूरा है ना जंगल ही जंगल है, और वो चीड़ के पेड़ों का काफ़ी अच्छा। और सामने अगर आपको दिखाऊंगा ना मैं, तो बहुत ही अच्छे मकान बने हुए, उधर से ही हम होकर के गुजर करके जाएंगे, और ऐसे ही गुजर करके हम आ रहे हैं। इसको रख लेना है ना, ये देखिए दोस्तों ये चारों तरफ देखिए चीड़ के पेड़ है, ये जंगल ही जंगल सा है, पहाड़ों का इलाका है। ट्रक गया है ये अभी, और ये देखिए पहाड़ों के ऊपर घर बने हुए जो गांव है शायद, या पता नहीं कोई शहर टाइप का है। बहुत ही अच्छा सुंदर नज़ारा है इधर, है ना, कैसा लग रहा है? नहीं तो अच्छा लग रहा है, अगर बर्फ और होती, बर्फ मिल जाए बस, बर्फ मिल जाए ना। और ये किस चीज़ का पेड़ है ये, और किसी नहीं नहीं ये वाला, ये अलग है, ये अलग है चीड़ का। देख वो है कुछ फल भी आ रहा है उस पर, हाँ हाँ वो उधर से नजर आ रहा है, ये रहा, ये आ रहा चीड़ का बिल्कुल बिल्कुल फल आ रहा है इस पर। ये देखिए चीड़ के फल आ रहे हैं इस पर, ये देखिए कैसा सुंदर नज़ारा है। यहाँ पर मीठी खड़ी हुई है, बहुत ही अच्छा नज़ारा लग रहा है। दोस्तों ये जगह है, ये है कसौली घाट, और घाट है कि नहीं ये मेरे को पता नहीं है, पर कसौली है लिख रहा था ना, कसौली घाट है, ये मार्केट जैसी है इधर। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा मार्केट होता है सेब का, कसौली में सबसे ज़्यादा सेब, बाग भी होंगे तो इसमें, हाँ बाग है यहाँ पर कसौली, बाग देखेंगे कसौली घाट, सबसे ज़्यादा सेब मिलती है, सेबों के बाग है यहाँ पर। अभी यहाँ से अभी काफ़ी दूर है शिमला कसौली से। देखिए दोस्तों कितनी नीच आई है, देखिए कितनी नीच आई है, चीड़ के पेड़ है, और देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। दोस्तों कसौली घाट पर हम पहुंच चुके हैं, और यहाँ पर थोड़ी देर के लिए हम रुके, और नीतू बोल रही थी, बोले थोड़ा सा अंदर लेकर के चलो अगर हमारी हालत ख़राब हो रही होगी फिलहाल इस समय पर। देखिए कल रात के 11 बजे से हम ड्राइविंग कर रहे हैं, गाड़ी आपने जैसे देखा होगा अगर पिछले ब्लॉग में। अब दोस्तों हम कुछ चीज़ दिखाएंगे आपको, आपको अगर अच्छी लगे ना तो एक बार लाइक ज़रूर करना बस, मेरे को मतलब मैंने अपनी लाइफ में ऐसी चीज़ नहीं देखी है, मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है चलिए। जो आती है छोटी वाली ट्रेन, ये देखिए फिलहाल तो देखिए वो देखिए सारे के सारे पेड़ है ना, वो चीड़ के पेड़ है, चक्कर आ गए, चक्कर आ गए। और वो देखिए नीचे अगर आप देख रहे हो ना तो ट्रेन की पटरी है, ये देखिए वो है जो नैरो गेज जो ट्रेन जाती है ना यहाँ से। अब हम इधर की साइड में जा रहे हैं एक बार, और नीतू को आ रहे हैं, चक्कर आ रहे नहीं, ना मैं तो इधर ही हूँ। ये देखिए जंगल के अंदर जा रहे हैं, जंगल है, यहाँ से जाती है ट्रेन वो, हाँ ये रही ना ट्रेन की, तो यहाँ से जाते हैं हम, ये रही देखिए ट्रेन की पटरी, ऊपर चल रहा है ट्रेन, नीचे जाती है थोड़ा। ये पेड़ थे ना अलग रही हो, ये अगर पेड़ लग गए ना तुम्हारे पहले मेरे पैर में लगोए तो ऐसे ले रहे जैसे सांप खाए हो। अच्छा जब ही तो बोली फिर मैंने जो हाथ लगाया, बाप रे, फिर
फिर मैंने यहाँ पे हाथ लगाया तो हाथ में एकदम कांटा सो अब भी जा में जलन है रही है, पैर में भी है रही है। ओ, ये वो वाला है, वो विष वाला पेड़ है। हाँ इतना, और देखिए दोस्तों ये ना विष वाला पेड़ है, और ये देखिए इसके सांप खाएगा कहा, मैंने की नीतू बोल भी रही थी कि मेरे को जो है सांप खा गया है, क्या खा गया है, बिच्छू खा गया है, ये इसको बोलते हैं बिच्छू पेड़। हाँ वही है जो वो पहाड़ी लड़की बोलती थी बिच्छू वाला। और यहाँ खाया तो मैं बोली सांप कैसे खाए, वो इतनी मैं लगा के देखूँ एक बार, लगा के देखो हाथ, फिर उधर से आए तो फिर यहाँ पे लगी जब, तो मैंने देखो कहीं सांप तो ना खा को मुझे, फिर जब पेड़ मैंने हाथ लगाया तो जहाँ अब भी जलन है रही है, जहाँ मैं जहाँ लग रही हूँ भैया ये कोई दिखा, ये तो यहाँ सब्जी बना के खाती है, यहाँ सब्जी बना के खाते हैं इसकी। ऐसे करके तोड़ रही थी वो लड़की, जब फिर इसकी सब्जी बना के खाते हैं, वो वाला पेड़ है ये। देखिए दोस्तों कितना है ना सुंदर नजारा है ना, सुंदर नजारा है, लेकिन मैंने सोचा सांप अच्छा। चीड़ का फल चाहिए मेरे को, पता नहीं क्योंकि आपके पैर में नीचे है ना लग गो ना तो बहुत तेज लगेगी ये तुम्हारे, चीड़ का फल चाहिए मेरे को, गिर मत जाना, गंदगी है, गिर मत जाना, मिले ना मिलेगा, अरे मेरे में है फल है, ये नीचे बच्चा घूम रहा है, कहां है वो रहे नीचे मेरे, कहां पर वो घूम रहा है, लकड़ी वगैरह तोड़ रहा है। देख अभी मैंने देख यहां पर देखा था, देखो ये पड़ो ये ना गंदगी है, ये नहीं है, ये नहीं है, देख ये रहा उठा रहा, देख ये बहुत सुंदर लगता है अगर ये पूरा फल हो, देखेंगे अभी तो आ जाएगा ना, चलो ठीक है। ये जगह है सोलन, सोलन जगह है, ये सोलन का सीन है, देखिए किस तरह है, दिखाती हूँ आपको एक बार, देखिए पहाड़ पर मुझे तो देखने में चक्कर से आते हैं इधर पहाड़ की तरफ, देखिए में खाई जैसी लगती है ना एकदम गड्ढा, सोलन जगह है ये सोलन, एक ही पहाड़ के चार चक्कर लगाने पड़ते हैं घूम घूम के, नीचे से नस्ता गई सोलन के लिए, अच्छा ये शिमला के लिए गई है, नीचे सोलन छोड़ दिया हमने, सोलन छोड़ दिया, ये सोलन है ये छोड़ दिया हमने और ऊपर चढ़ गए शिमला डिस्ट्रिक्ट रोड। देखिए दोस्तों कैसी अच्छी यहाँ पर घाटी है एक, मैं रोड क्रॉस करके चलता हूँ, ये देखिए चारों तरफ आपको मकान ही मकान दिखाई देंगे और वो नीचे तक दिख रहे हैं, शायद हो सकता है खेती वेती भी हो रखी है यहाँ पर, और वो सामने आप जो पहाड़ देख रहे हो ना दोस्तों, वो तो ऊपर तो आपको बादल दिखेंगे है ना, उस बादलों के नीचे ये देखिए सफ़ेद सफ़ेद सा डॉट जो आ रहा है ना, ये बर्फ़ है, ये देखिए मैं जूम करके दिखाता हूँ एक बार आपको, ये देखिए ये बर्फ है, ऊपर बादल है नीचे, हाँ ऊपर बादल है थोड़ी सी, मतलब ऊपर पहाड़ पे बर्फ है, पहले मैंने भी सोचा बच्चों को बेवकूफ बना रहा है कि बादल दिखा रहा है कि बर्फ दिखाऊं, नहीं नहीं, पर नहीं वो बर्फ है नीचे, पर काफी दूर है ये हमसे। हाँ वीडियो बनाने के लिए उतार दी और गाड़ी को आगे आगे भगा के ले जा रहे हैं मुझे बिठाने, थोड़ा लिफ्ट मिलेगी लिफ्ट मिलेगी, चलिए दोस्तों इनको दे दिया हमने लिफ्ट यहाँ से, पैसे और, मेरे पास चलिए चलते पैसे तो वसूल कर लूंगा मैं। ये देखिए है ना सुंदर नजारा, ये अभी टीचर ने कैप्चर नहीं कर पाई थी, देखिए रोड पर ये ऐसे पत्थर टूट के आ जाती हैं, देखो टूट टूट के, वही मशीन भी खड़ी थी पीछे साफ करने वाली, रोड को साथ थी में साफ कर रही है, देखिए कि ऐसे पहाड़ खिसल खिसल के नीचे को आ रहा है, देखो सामने आ रहा है, रोड पर है पीछे तो बहुत, देखो ये आया है ना जैसे ऐसे ऊपर से आ रहे हैं खिसल खिसल के नीचे। एक बार दोस्तों कमेंट करके बताना शिमला की ट्रिप कैसी लग रही है, अभी पहुंचे ही नहीं है शिमला, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, हवा ठंडी है, देखिए ये काम चल रहा है पहाड़ का, बस धीरे धीरे मोड़ पे धीरे, अरे भाई रोडी जाम हो गई है इस पहाड़ ने, तो रोडी जाम कर दी है पूरी, ज्यादा ही बड़ा टूटा है पहाड़ भी, देखिए दोस्तों पक्का पहाड़ है ये, तो पक्का पहाड़ी खिसला है नीचे पूरा,
देखिए दोस्तों शिमला का आ गया है वेलकम, वेलकम शिमला, वेलकम शिमला। दोस्तों परेशान हो गए और इधर नीतू देख नहीं रही है, नहीं नहीं, दे, नहीं देखूंगी, कैमरा तो दिखा दे, कैमरा दिखा दूंगी लेकिन मैं नहीं देखूंगी। दोस्तों ऐसा लगता है जैसे नीचे को गई है, नीचे को गई, मैं नहीं देख पाऊंगी नीचे, नीचे ऐसे देखने में मुझे बहुत डर लगता है, मैं नहीं देख पाती हूँ, सीधा देख रही हूँ बस, ऊपर पहाड़ को तो देख सकती हूँ ऊपर को ऊपर के, लेकिन पता नहीं मुझे देखने में डर लगता है, ऐसे लगता है कि जैसे नीचे को गई। मैं देख के भी नहीं बना रही वीडियो, खाली मैंने कैमरा कर दिया इधर। देखिए कितना सुंदर है शिमला का नजारा लग रहा है, बहुत सुंदर, घनघोर जंगल जैसा चल रहा है, पेड़ से ऐसे लताएं नीचे को आ रही है, जड़ आ रही है पेड़ों के नीचे को, एकदम जंगल जैसा था। तो बाहर की नंबर गाड़ी नहीं दी गई, नंबर गाड़ी देख के बस रूम लो सर रूम। देखिए कैसा सीन है, कितना अच्छा लग रहा है आगे का शिमला, 4 किलोमीटर है बस यहाँ से। अभी चल रहे हैं दोस्तों अपने ठिकाने पर, अभी हम नहीं पहुँचे, सवा तीन बज गए हैं, 10-15 मिनट में पहुंच जाएंगे हाँ धन्यवाद। शिमला शहर तो हमने पीछे छोड़ दिया, हम दूसरी साइड जा रहे हैं अपने, हाँ वहाँ पे हमारा कमरा बुक है जो, और जा रहे हैं। काफी परेशान हुए, मूड बहुत है धीरे धीरे तो। शिमला में हम आ गए थे और नहा धो लिए, ठंड बहुत है, गर्म पानी मिल गया तो नहा लिए हैं हम, और अब मैं बना रही हूँ चाय, तो चाय पियेंगे हम, फिर देखेंगे, अब आराम करेंगे आज, तो आज आराम करेंगे, अब कल को देखेंगे हम क्या देखते हैं क्या नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए तो शिमला आ गए। चलो कोई बात नहीं है, शिमला भी दिखाएंगे अब हम आपको। नहा लिए थे हम दोनों, गर्म पानी हो था, और मैं बना रही चाय, प्रेशर कुकर में ही बना लेते हैं चाय, चीनी चाय पत्ती सब लेके आए थे हम, बर्तन यहाँ मिल गए, गैस मिल गई है हमको, दूध ले आए थे, और ये मेरी बन रही है चाय, पहले हम चाय बना के पी लेते हैं फिर कुछ खाना पीना अपना बनाएंगे और खाएंगे। चाय ठीक है रख दे, ये देखिए दोस्तों चाय भी बना लाइए, शिमला में पहली चाय, और मेरे को आ रही है बहुत तेज नींद, और ये देखिए यहाँ पर ना ऐसे हीटर लगे हुए हैं दोनों साइड में, एक वो लगा हुआ हीटर, एक ये लगा हुआ है, हाँ। देखिए दोस्तों ये हमने अपने रूम में, यहाँ देखिए हीटर चल रहा है, इस समय गर्मी का मौसम है, और ये हमने खाना बना लिया अपना, सुबह से भूखे थे, आलू की सब्जी है, चावल है, बना कर के लेके आई है नीतू, और अब खाते, आप लोग भी खाइए। 80 रुपये का एक पराठा था, हाँ 80 रुपये का एक पराठा खा करके आधा आधा खाया, और अब भोजन मिल रहा है हमको। चलिए दोस्तों आप भी खाइए और हम भी खाते हैं, और इस ब्लॉग को करते हैं हम यहीं पर एंड, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।